सरोकार। राष्ट्रपति पुतिन की दो टूक, यूक्रेन से लड़ने के लिए भेजे जाएंगे सिर्फ दो पेशेवर सैनिक। यूक्रेन का बड़ा दावा, जंग में रूस की अब तक 12,000 जवानों की हो चुकी है मौत। सूमी में फंसे भारतीयों को बचाने के बसों के जरिए निकाला जा रहा बाहर, केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने दी जानकारी। भारत चीन के बीच 15वें दौर की कोर कमांडर स्तर की वार्ता 11 मार्च को होगी, चुशूल मोल्तो में होगी बैठक। अनुराग ठाकुर ने किया महिला सुरक्षा कवच अभियान का शुभारंभ, हिमाचल प्रदेश पुलिस को दी गई 108 मोटरसाइकिल। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी ने लड़की हूं लड़ सकती हूं कार्यक्रम का विशाल आयोजन किया, जिसमें फतेहपुर से पैदल मार्च का हिस्सा बनने लोकतांत्रिक अध्यक्ष हेमलता पटेल के साथ 5 बसों में सैकड़ों महिलाएं लखनऊ के लिए रवाना हुई। बता दें इस दौरान महिलाओं में बेहद उत्साहपूर्ण माहौल देखने को मिला। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हम लोग लखनऊ जा रहे हैं, सैकड़ों महिलाओं के साथ में माननीय प्रियंका जी के नेतृत्व में पैदल मार्च भी होना है और सब महिलाएं वहां एक। खबर बदायूं से है, जहां जिला निर्वाचन अधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने मतगणना से पहले मंडी समिति में बने स्ट्रांग रूम का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने स्ट्रांग रूम पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते हुए ड्यूटी में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। देखिए, ये जनपद बदायूं में त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरा रहेगा, आउटर कार्डर जो इसके बाहर बाउंड्री वाला देख रहे हैं, इसके बाहर पुलिस बल रहेगा, सिविल पुलिस बल रहेगा और 2 कंपनी CAPF बाहर रहेगी, और अंदर इसके अंदर इनर कार्डर के बाद आइसोलेशन कार्डर त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरा रहेगा। 2 कंपनी CAPF, 2 कंपनी और 2 प्लांट, उनके सुरक्षा घेरे में अंदर का पूरी व्यवस्था उनके नेतृत्व में रहेगी, और उसके बाहर हमारा यहाँ पे जो स्तरीय जो सुरक्षा घेरा है वो तो हाई है। पूरे शहर पे जितने भी जो पार्किंग स्थान हैं, बैरियर्स हैं और आने जाने के रास्ते हैं, सभी पे हमारी QRT मोबाइल्स तैनात रहेंगी, और पूरे जनपद में कहीं भी किसी भी स्थान पे ना तो विजय जुलूस के निकाले जाने की परमिशन रहेगी और ना ही कहीं पर किसी का कंसल्टेशन होने दिया जाएगा। 5 साल जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विज्ञापन दिया। यूपी चुनाव के एग्जिट पोल पर पूर्व राज्य मंत्री और सपा नेता पवन पांडे भड़क गए। वहीं एग्जिट पोल का ठीकरा मीडिया पर फोड़ दिया और कहा कि मीडिया सरकारी विज्ञापन का फर्ज अदा कर रही है। 5 सालों में भाजपा सरकार ने मीडिया को दिया भारी भरकम विज्ञापन दिया, लेकिन जनता जनार्दन ने साइकिल का बटन दबाया है। जब 10 मार्च को परिणाम आएगा तो सब कुछ सामने होगा। बता दें कि अयोध्या विधानसभा से पवन पांडे सपा प्रत्याशी हैं और क्या कुछ कहा है देखिए। 5 साल जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विज्ञापन दिया है गोदी मीडिया को, ये गोदी मीडिया उसी का फर्ज अदा कर रही है। जनता जनार्दन ने आशीर्वाद और साइकिल का बटन दबाया है। जब 10 मार्च को परिणाम आएगा तो जो जनता जनार्दन ने जनादेश दिया है, जो साइकिल का बटन दबाकर आदरणीय अखिलेश जी को आशीर्वाद दिया है, वही परिणाम जो है 10 मार्च को आएगा। और गोदी मीडिया जो अपने विज्ञापन का जो मिला है उसका जो फर्ज अदा कर रहे हैं, वो 10 मार्च को सुबह 7 बजे अदा कर लें। जनता जनार्दन और उत्तर प्रदेश की महान जनता समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी के साथ है, और 10 मार्च को 8 बजे के बाद यही। पूरा देश जहां एक ओर महिला दिवस मना रहा है तो वहीं दूसरी ओर फरीदाबाद में आशा वर्कर्स अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतर आई हैं और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान प्रदर्शन कर रही आशा वर्कर ने कहा कि वो अपनी मांगों को लेकर मंत्री से लेकर अधिकारियों तक से गुहार लगा चुकी हैं, लेकिन कोई भी उनकी सुनवाई करने को तैयार नहीं है। आगे प्रदर्शन कर रही महिलाओं के नाम ने कहा
कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया तो वो 15 मार्च को संसद मार्च करेंगे। क्या नाम है आपका? अच्छी सी भी नहीं हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुधा है। सुधा जी, प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे हैं? आज महिला दिवस है, उसके बाद भी आपको प्रदर्शन जारी है, क्या कहेंगे उस पर? तो मैं बस इतना कहूँगी कि ये जो सत्ता में सरकार बैठी है, इनकी बस एक ही मंशा है कि महिलाएं सिर्फ सड़कों पे बैठी नहीं। तो प्रदर्शन कर रही हैं, कितनी आशा वर्कर हैं और कहां-कहां से करती हैं? हमारे 1000 आशा वर्कर हैं पूरे फरीदाबाद में। आज 1000 के 1000 आशा वर्कर हड़ताल पे हैं। हम बहुत लंबे टाइम से अपनी मांगों को लेकर बार बार हड़ताल कर रहे हैं। हम 2 बार अम्बाला जा चुके हैं, उसके मतलब हमारी बातचीत होने के बाद भी अधिकारियों और खुद जो स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज हैं उनसे बातचीत होने के बाद भी, एक समझौता बनने के बाद भी उन्होंने लागू करने से इनकार कर दिया। क्या नाम, क्या डिवीजन आपका? मेरा नाम हेमलता है। हेमलता जी, प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे हैं, किस लिए प्रदर्शन कर रहे हैं? मांगे ये तो हमारी 8 एक्टिविटी हैं 2018 में मंजूर हुई थी वो, लेकिन उनका जो एक्टिविटी का पैसा काट दिया गया था। 2018 से ही वो एक्टिविटी हमारी चल रही है और उसके लिए हम पैसा बराबर मांग रहे हैं। सरकार उस पैसे को मंजूर नहीं कर रही है, बार बार हमारी फाइल को कैंसिल कर देती है। दूसरा, एक हमारा कोरोना के 1000 रुपये मिला था, वो भी लड़के हमें दिया गया था, उसे 2-3 महीने देते हैं फिर उसे बंद कर देते हैं, तो उस पर 50% के लिए बात हुई थी वो। यूपी में 10 मार्च को चुनावी नतीजे आने वाले हैं, जिससे पहले अयोध्या के पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य जी महाराज ने भाजपा को दोबारा जिताने और सीएम को प्रचंड जीत दिलाने के लिए लगातार कई जनपदों में जाकर महायज्ञ कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज जगत गुरु परमहंस ने मथुरा में अपना 1008वां यज्ञ पूरा करके वृंदावन में फिर से भाजपा की सरकार बनने का दावा करते हुए कहा कि सूबे में एक बार फिर भाजपा अपनी सरकार बनाने जा रही है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने के लिए हमने 1008 हवन कराने का संकल्प लिया था, जिसकी आज यहाँ श्री धाम वृंदावन महेश्वर धाम में पूर्णावती की गई है। और चूँकि भारतीय जनता पार्टी जो है देश हित में काम कर रही है, तो आवश्यक है कि सब लोग, जितने भी देश प्रेमी हैं, सब लोग इसमें सहयोग करें। और आज हम सब साधु संत जो है ये इसको क्लियर कर देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत में आ रही है और योगी जी दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। सहारनपुर में नाबालिग लड़की के अपहरण का मामला सामने आया है। सहारनपुर के थाना बेहट इलाके में गांव शेखपुरा से गायब नाबालिग बेटी की बरामदगी की मांग को लेकर परिजन सोमवार को SSP से मिलने उन्होंने SSP को लिखित तो शिकायत में गांव के ही कुछ युवकों पर नाबालिग का अपहरण करने का आरोप लगाया, साथ ही बेहट पुलिस पर इस मामले में कोई कार्रवाई ना करने का भी आरोप लगाया है। देखिए, गांव थाना बेहट में गांव पड़ता है शेखपुरा, जिसमें कि एक लड़की जो कि अपने ही गांव के एक लड़के के साथ कहीं गायब है, 3-4 दिन से ये दोनों ही गाँव से फरार है। इसमें मुकदमा लिख दिया गया है और आगे कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। लड़की नाबालिग है तो क्या अपहरण में मुकदमा दर्ज हुआ है या किसमें? देखिए, इसमें जो है सुसंगत धाराएं जो होती हैं उनमें धारा दर्ज किया गया है। नाबालिग लड़की अगर किसी लड़के के साथ चली जाती है तो उसमें 363 धारा लगती है, उस धारा में उसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नासिर है जी। क्या पूरा मामला है जो आप लोग पूरा मामला यह है जी, जो हम SSP के यहाँ आए, हमारी बहन लगती है जी, वो गाँव का ही लड़का है एक दबंग किस्म का, तो उसने जो है वो अगवा कर ली। 13 साल की उम्र है लड़की की, बहला पुस्का के जिस तरह भी वो लेता गया। तो ये मामला है बेट थाने में, हमने इसकी तहरीर दी, 3 दिन हो चुके तहरीर दी थी, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो इसी करके हम यहाँ SSP के पास आए थे, इन्होंने आश्वासन दिया कि कार्रवाई जल्द होगी। कब से लेके गया हुआ है लड़का? 4 दिन हो गए, आज 3 तारीख की बात है सारी। खबर औरैया से है, जहां अजीत मल में तैनात सब इंस्पेक्टर अरविंद तरार ने अपनी जान जोखिम में डालकर नहर में कूदकर एक डेड बॉडी को बाहर निकाला। आपको बता दें कि शव की पहचान करने पर पता चला कि वो नौरगाबाद जनपद इटावा का रहने वाला है। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना अजीत मल क्षेत्र के ग्राम गढ़िया के पास नहर में आज एक अज्ञात शव बरामद होने की सूचना प्राप्त हुई, जिसमें तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची, जिसमें SI अरविंद तरार द्वारा जो है नहर में घुसकर इसको बाहर निकाला गया। बाहर निकालने के बाद इसकी तलाशी ली गई, जिसमें इसकी पहचान कुछ डॉक्यूमेंट्स प्राप्त, जिसमें इसकी पहचान मोहन कुमार
सनाब किशोरी लाल के रूप में, जो सती मोहल्ला औरंगाबाद जनपद इटावा का रहने वाला के रूप में प्राप्त हुई। पंचायत नवा बरगर आवश्यक कार्रवाई के लिए पोस्टमार्टम भेजा, पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल और रिया भेजा जा रहा। खबर सहारनपुर से है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में घर में बुरी तरह से आग लग गई। आनन फानन में लोगों ने फायर ब्रिगेड की टीम को सूचना दी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। आपको बता दें कि आग लगने से महिला समेत 5 लोग झुलस गए हैं। पीड़ितों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है, जहां महिला की मौत हो गई। देखिए, ये गंगो कस्बे में मोहल्ला पड़ता है, कस्बा मोहल्ला मखदून, जिसमें कि कल रात आग लगने की सूचना थी। मौके पर पुलिस और दमकल की गाड़ियां जो है इसमें तुरंत भेजी गई, जिसमें हम लोगों ने आग पर काबू पा लिया। और इसमें एक महिला जो कि जिसकी उम्र करीब 50-55 वर्ष है, उसकी मृत्यु हो गई और 4 लोग इसमें अभी घायल हैं, जिनको कि अस्पताल भर्ती करवाया गया है सहारनपुर में। बाकी अभी इसमें सहारनपुर इनको रेफ़र कर दिया गया था, वहाँ से हायर सेंटर रेफ़र हो गया। और इसमें अभी कारणों के बारे में, शॉर्ट सर्किट के बारे में पता चला कि शॉर्ट सर्किट से हुआ था। बाकी इसमें अभी और अगर कुछ उनकी तरफ से हमें मिलती है तो इसमें आगे जांच करके और कार्रवाई करेंगे। खबर आई बरेली से है, जहां जमीन को लेकर विवाद हो गया और लाठी डंडों के साथ मारपीट हो गई। आपको बता दें कि ग्राम समाज की जमीन पर अबरार खान अपना पुराना घूरा डाल रहे थे। वहीं गांव के ही एक युवक ने रातों रात जमीन पर अपना अवैध मकान बना लिया, जिसके चलते दोनों युवकों में मारपीट हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आइए आपको दिखाते हैं पूरा वीडियो। से विवाद हो रहा है, रातों रात मकान बनने को लेकर यह विवाद हुआ है। तस्वीरों में देख सकते हैं दोनों पक्षों के बीच जमकर विवाद हो रहा है। खबर बांदा से है, जहां युवक ने गांव के दबंगों पर पैसा छीनने का आरोप लगाया है। बता दें कि दबंगों ने पहले युवक को रास्ते में रोक कर गाली गलौज किया, फिर युवक से 50,000 रुपए छीन लिए। युवक ने स्थानीय पुलिस से मामले की शिकायत की, जिस पर पुलिस प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। क्या नाम है भैया आपका? क्या मामला लेकर है आप यहाँ एसपी साहब के पास आए हुए हैं? मैं रास्ते से आ रहा था जी, कॉलोनी से। कॉलोनी मेरी बन रही थी, जो है गांव के बाहर मेरा खेत है, खेत में कॉलोनी बन रहा था। रास्ते में आ रहा था तो बबीना, पप्पू, बिट्टू, राजेश, ये लोग जो आए और कुछ अज्ञात व्यक्ति थे, तो आए और आने के बाद जो है तो मुझे गाली गलौज देने लगे और धमकी देने लगे मार डालने की। उसके बाद गाड़ी खड़ी करके इन्हें मारा पीटा और मेरे 50,000 रुपये छीन के ले गए। जब घर गया उलाना देने, तो उलाना देने के बाद उन लोगों ने घर में धावा बोल दिया और फिर से लाठी डंडों से प्रहार किए मेरे। देवरिया संत विनोबा पीजी कॉलेज में शुल्क की बढ़ोतरी के वापसी के लिए कॉलेज कैंपस में दर्जनों की संख्या में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों ने विरोध प्रदर्शन कर कैंपस के अंदर प्राचार्य और प्रबंधक का घेराव करके अपनी मांगों को रखा और मौके पर पहुंचे जिला प्रशासन ने मामले को किसी तरह शांत कराया। साथ ही छात्रों को प्राचार्य द्वारा छात्रों को आश्वस्त किया गया। साथ ही छात्र संघ प्रत्याशी मानवेंद्र तिवारी ने बताया कि अचानक कॉलेज प्रशासन द्वारा फीस की बढ़ोतरी की गई। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां सक्तापुर में स्थित एक डिग्री कॉलेज के दलित चौकीदार की निर्मम हत्या कर दी गई। बता दें चौकीदार का शव कॉलेज परिसर में पड़ा मिला। इस मामले की सूचना परिजनों ने पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की छानबीन में जुट गई है। थाना प्रधान क्षेत्र अंतर्गत एक विद्यालय के चौकीदार का शव उसी विद्यालय परिसर में मिला था। परिजनों की तहरीर के आधार पर किसी अज्ञात व्यक्ति ने लाठी डंडे से मार के उनकी हत्या कर दी है। शव का नियमानुसार पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है एवं आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।
खबर फतेहपुर से है, जहां पर गाजीपुर थाने के पैगंबरपुर बकरी निवास गांव के निवासी एक युवक को पुलिस ने हत्या सहित अन्य गंभीर आरोपों के चलते करीब 3 साल पहले गिरफ्तार किया था, जिसको बीते 2 मार्च को पेशी के लिए न्यायालय लाया गया था। वहीं मुजरिम पुलिस के हाथों से बचकर न्यायालय से फरार हो गया। बता दें कि मुजरिम को पुलिस ने बीती शाम लीला गांव मोड़ से 1 किलो 200 ग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार किया था। जनपद फतेहपुर थानाध्यक्ष गाजीपुर व उनकी टीम के द्वारा 1 वर्ष से ज्यादा समय से पुलिस अपेक्षा से फरार शातिर अपराधी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त किया है। उक्त अभियुक्त गिरफ्तारी पर पुलिस अधीक्षक महोदय फतेहपुर द्वारा 25,000 रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया था। शिव सरन उर्व विक्रम उर्व बजरंगी विगत 2 फरवरी को जब वह पेशी के लिए कचहरी लाया गया था, पुलिस अपेक्षा से फरार हो गया था। उक्त अभियुक्त की फरारी के पश्चात थाना कोतवाली में संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया था तथा उनके निलंबन की कार्यवाही भी हुई थी। गाजीपुर पुलिस के सतत प्रयास के कारण ही उक्त अभियुक्त की गिरफ्तारी संभव हो सकी। खबर सहारनपुर कोतवाली बेहट क्षेत्र के गांव रसूलपुर के पास खनिज सामग्री से भरे डंपर ने एक बाइक को टक्कर मार दी। वहीं इस हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं इस हादसे से गुस्साए ग्रामीणों ने सड़कों पर जाम लगाते हुए प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, जिसकी सूचना मिलते ही भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची, जिन्होंने समझा बुझाकर भीड़ को शांत कराया, जिसके बाद पुलिस ने डंपर चालक और डंपर को हिरासत में लेते हुए कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।